ये ट्रक का इंश्योरेंस काफी महंगा हो गया ना आजकल। क्या बात कर रहे हो भाई, मेरा तो बहुत सस्ते में हो गया था। अपनी रसीद दिखाओ। ये लो। अच्छा अब समझा। गजोदर भैया आपका सीवी इंश्योरेंस तो सिर्फ इतने का पड़ता, मगर आपने इसमें दुनिया भर के जो एड ऑन्स डलवाए हैं ना, उसकी वजह से ही हो गया महंगा। हैं? मैंने तो कुछ ना डलवाया एक्स्ट्रा। पर भैया कंपनी ने तो डाला है, और वो भी थोक के भाव में। जरा ये देखिए, रोड साइड असिस्टेंस, ईएमआई कवर, टोइंग डैमेज कवर, इनवॉइस प्रोटेक्शन जैसे ढेरों एडऑन्स की वजह से आपका प्रीमियम गया है बढ़। क्या बात कर रहे हो यार। अरे अभी और सुनिए, आपने अपने ट्रकों के अलग अलग इंश्योरेंस कराए हैं। जब आपकी गाड़ियों की पूरी फ्लीट है तो ऐसे में आप पैकेज इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, तो वो आपको और सस्ता पड़ जाता। क्या करें भाई, बताए तो मैं बताए हमको। अब क्या करेंगे, वाहक का ऐप डाउनलोड करिए और फिर आप ऐसी गलती करने से बचोगे। उससे क्या बदल जाएगा? सबसे पहले अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस ऑनलाइन चला जाएगा, ऊपर से आप और बेस्ट रेट्स पे कमर्शियल गाड़ियों का इंश्योरेंस भी पा पाओगे। इसमें वाहक की टीम आपकी पूरी मदद करेगी, आप सही इंश्योरेंस चुन पाओगे और भारी प्रीमियम पे करने से भी बचोगे। ये तो बड़ी बढ़िया बात बताई तुमने। और एक बात, आप जब भी इंश्योरेंस लो तो ध्यान रखिएगा कि आपके ड्राइवर का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा हो, क्योंकि कई इंश्योरेंस कंपनियां आपका प्रीमियम डिसाइड करने से पहले आपके ड्राइवर का बैकग्राउंड भी चेक करती हैं। एक मिनट ठहरो, हम डायरी में लिख लेते हैं। तो लगे हाथ ये भी लिख लीजिए, इंश्योरेंस रिन्यूअल टाइम पर करना है और गाड़ी का मेंटेनेंस अच्छा रखना है। अच्छा, वरना रिन्यूअल के दौरान गाड़ी की वैल्यू हो जाएगी डेप्रिशिएट और आपको इंश्योरेंस का कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा। यार लंबोदर तुम ये बताओ, तुम इतने ज्ञानी कब से हो गए बे? अरे भैया लगता है आप वाहक का वीडियो नहीं देखते। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहां से ज्ञान का प्रभाव बहता है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करिएगा। इतना तो क्योंकि बनता है नहीं?